पिंजरा, अ सेल, कन्फाइनमेंट, केफिक जिसको हम जर्मनी में कहते हैं। इट हैज एवरीथिंग, ये एआरवाई का ड्रामा है। इट हैज गॉट एवरीथिंग इन अ नटशेल। जो ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस है या नहीं है, क्यों नहीं है, सोसाइटी नॉर्म्स, डिप्रेशन, वाना बी परफेक्ट जो सोसाइटी में, कंपटीशन, सिबलिंग्स जेलसी एंड सिबलिंग लव। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। एआरवाई का डे प्ले शुरू हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि जरूर देखो, थैंक्स टू यू, रियली एंजॉयड इट। अभी मैंने इसकी 8-9 किस्तें देखी हैं। ओके, डायरेक्ट किया है नजफ बिलगरामी ने। इट इज रिटन बाय लेट असमा नबील। प्रोडक्शन इसकी शाजिया वजाहत कर रही हैं अंडर द बैनर ऑफ शोकेस प्रोडक्शन। स्टार्स हदिया खान और उमर राना जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं। उमर राना जो है, मुझे उनका रोल बहुत ही पसंद इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका रोल इज वेरी वेरी तीखा। लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दैट, इट इज रिटली तीखा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आई कम बैक टू दैट। बच्चे जो हैं वो अशर वजाहत, आयना आसिफ और अहमद उस्मान जो हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है हमारी सोसाइटी के, बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स को और बहुत सही पॉइंट्स को टच करें। हमारे पाकिस्तानी प्लेज आर ऑलवेज वेरी नाइस, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बादशाह बेगम टाइप आ जाते हैं, बट ऑल इन ऑल हमारे जो पाकिस्तानी प्लेज हैं आर लाइक वाओ। तो इट इज लाइक दिस प्ले इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड द प्रेजिडिस, आई एम सॉरी, प्रेशर एंड द प्रेजिडिस ऑन द किड्स इन द नाउ सोसाइटी। अब चाहे उसको आप यहाँ की हमारी यूरोपियन सोसाइटी ले लें, अमेरिकन सोसाइटी ले लें, या पाकिस्तानी सोसाइटी ले लें, डजेंट रियली मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आजकल हर जगह पे हर पेरेंट्स जो हैं वो यही इन्हीं चीज़ों का शिकार हो रहे हैं और इन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हैं। सिबलिंग जेलेसी इन्होंने दिखाई है, जैसे बीच वाली जो बहन है उसका उन्होंने जो रोल दिखाया है, शी इज जेलस और कंपिटिटिव है। बच्चा जो होता है, बेसिकली मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ पॉइंट, बच्चे जो होते हैं, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों की डिफरेंट नेचर है, जिस तरह इस ड्रामे में उन्होंने दिखाई है कि इनके 3 बच्चे हैं और तीनों की डिफरेंट नेचर है। और बड़ा बेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है और फादर फिगर टाइप है अपने बहन भाइयों के लिए। बीच वाली जो लड़की है वो सही फितना है। छोटा जो बच्चा है इज टोटली बींग इग्नोर्ड एंड इट इज डिप्रेस्ड। अच्छा, जो छोटा बच्चा होता है उसकी हमेशा यही अलमी है, या हाईली पैम्पर्ड होता है फैमिली में या हाईली इग्नोर्ड होता है। दिस इज हाउ इट इज, तो क्या करें। देखिए, इसी को ही ठीक करना है। मिसट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स का जो मैंने आपको शुरू में बताया, उसमें ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं हमारे, जो भी आप कह लें, हमारी एज के जो पेरेंट्स हैं उनको ये सब, वो ये ख्याल करते हैं कि शायद क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमें ट्रस्ट नहीं करते थे, या वो हमें एक एक डिफरेंट तरीके से हमारी ब्रिंगिंग अप हुई है। हालांकि हमारी ब्रिंगिंग अप उस तरह की नहीं, हमारे पेरेंट्स की ब्रिंगिंग अप उस तरह की हुई थी। हमारी ब्रिंगिंग अप फिर भी थोड़ी बेहतर हुई थी उससे, लेकिन जो आजकल के अब बच्चे हैं उनकी ब्रिंगिंग अप का और हमारी ब्रिंगिंग अप का, 20 साल, 30 साल पहले की ब्रिंगिंग अप अगर आप ले लें, उसका और आज का कोई मुकाबला आपस में है ही नहीं। इट्स कम्प्लीटली टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, क्योंकि दुनिया जो है वो सोशल मीडिया इतनी ज्यादा छोटी हो गई है और इतनी ज्यादा वास्ट हो गई है कि आप पेरेंट्स को, जब तक वो ये बात नहीं समझेंगे तब तक वो अपने बच्चों को सही तरह से डील नहीं कर सकेंगे, सही तरह से उनकी तरबियत नहीं कर सकेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इज वॉट यू वॉन्ट एज अ पेरेंट, कि आपका बच्चा कैसे बिहेव करे और वो बच्चा जो है वो एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है, या उसकी एक्चुअली उसका बिहेवियर कैसा है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे माँ बाप, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे। और जो नहीं समझ रहे उधर ये हो रहा है जो ये इस ड्रामे में दिखा रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। वो जो क्या नाम है उस लड़की का, खतीजा जो लड़की है, एक तरफ वो फैमिली है कि वो इतने क्राइसिस में से भी गुजर रही है, लेकिन क्योंकि वो अपने बच्चों को ट्रस्ट में लेके चल रही है तो शी इज डूइंग बेटर साइकोलॉजिकली। एक तरफ ये फैमिली है जो कि अपने बच्चों को ट्रस्ट में लेके नहीं चल रही। अब जो उमर राना, जो मैंने आपको पहले बताया कि मुझे उसका उसका मुझे रोल क्यों पसंद आ रहा है, वो इसलिए कि ही इज अ टिपिकल फादर, ही इज नॉट अ मॉन्स्टर। ठीक है, वो कोई मॉन्स्टर फादर नहीं है, वो कोई बुरा आदमी नहीं है, बुरा इंसान नहीं है। वो बार बार ये कहता है कि इट्स माई ड्यूटी कि मैं अपने बच्चों को जो है मैं उनका ध्यान रखूं, लेकिन
उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो रिजिड है, उसकी जो दिमाग में जो सोच है वो रिजिड है, वो ऐसे है और उसको वो ऐसे नहीं कर रहा। बहुत सारी वजूहात की, एक कुछ अपनी, जिस तरह से पेरेंट्स का ही होता है कि हमें हमारे माँ बाप ने ऐसे पाला था तो हम भी तुम्हें ऐसे पालेंगे। देखिए, जिद्दे तो लगा के आप बच्चों को नहीं पाल सकते ना। तो इंसान है, इंसान का बच्चा है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को नहीं समझेंगे तो वो बच्चा या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, जैसे ये छोटा बच्चा जा रहा है, या फिर वो सबमिसिव अग्रेसिव हो जाएगा, जैसे कि उनकी बेटी है, जैसे कि उसने अपना टेलीफोन लेके रखा हुआ है लेकिन छुपाया हुआ है माँ बाप से, तो वो बच्चे आपसे बातें छुपाने लग जाएंगे और ऐसे ही करते करते वो बुराई की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। और यही चीज हम लोगों को जो है, इसी चीज को हम लोगों को कंट्रोल करना है। इस ड्रामे में इतनी अच्छी तरह से इन सारी चीजों को टच करके जा रहे हैं। आई एम श्योर जैसे जैसे ड्रामा आगे चलता जाएगा ये चीजें और गहराई में होती जाएंगी। आई विल कीप ऑन गिविंग माई रिव्यू ऑन दिस थिंग बिकॉज आई एम टोटली इन लव विद दिस प्ले। हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टर्स, जिस उस बच्चे ने जो एक्टिंग की। आप देखिए, जो उसने वो ड्रग्स लेना शुरू किए, इसकी भी यही बात है कि ड्रग्स आप तभी लेना करते हैं जब आपको लोग निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ड्रग्स लेने का क्या इफेक्ट होता है कि यू फील योर सेल्फ कि जी मैं तो पता नहीं कितना फने खान बन गया हूँ, और एकदम से आपके दिमाग में ये चीज आ जाती, या आपको वो फीलिंग आ जाती है। इन ड्रग्स से किक होती है ना, एक हाई किक होती है, तो वो आ जाती है। तो उस किक को लेने के लिए वो बच्चा जो है वो गलत रास्ते की तरफ चला गया। अब ये कसूर किसका, कसूर किसका, माँ बाप का कसूर कहेंगे आप? हालांकि माँ बेचारी तो इतनी ज्यादा, शी मीन्स गुड, इट्स नॉट दैट शी डजंट मीन गुड, द फादर मीन्स गुड एज वेल। ये नहीं है कि वो बुरा है ना, बुरा कोई भी नहीं है अपनी जगह में, लेकिन बुराई कहाँ पे आती है, जब आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप डाल देते हैं। यू हैव टू टॉक विद योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों से बात करें, बात करें, बात करें, बात करें, जब तक बच्चा आपके सामने खुल के ना बोल दे। क्योंकि जब वो आपके सामने खुल के बोल देगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी बात किसी और के साथ करेगा, तो जैसे इस बच्चे की उसमें कि वो उसके दोस्त ने उसको ड्रग्स पे लगा दिया, और उस लड़की के केस में देख लें कि उसकी उसकी फ्रेंड ने उसको सेलफोन दे के उसको उधर लगा दिया। तो आप अगर अपने बच्चे के को काबू में, अगर फैमिली बॉन्ड को आप नहीं सही से रखेंगे, तो फिर आपकी एक अच्छी माँ होने का या अच्छे खाने पकाने का कोई फायदा नहीं। फिर आपके एक बाप होके एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा घर और एक अच्छी नौकरी का कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये सब फानी चीजें हैं। हम सब मर जाएंगे और पीछे कौन रह जाएगा, हमारी औलाद। और अगर हमारी औलाद ही अच्छी नहीं हुई तो हमारी कब्रों पर आके फातिहा कौन पढ़ेगा, अगर हम अपनी औलाद को ये नहीं सिखाएंगे। तो आई होप कि ये ड्रामा वैसे ही आगे चले जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मेरी इस ड्रामे के साथ बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। टोटली ब्यूटिफुल ड्रामा, ब्यूटिफुल टॉपिक्स टच्ड, हैट्स ऑफ टू एवरीवन। टिल देन, जर्मन परदेसी में जैसे रोक।